नमस्कार दोस्तों, दिस इज देव वंस अगेन। आई वेलकम यूर मैथिली पाठशाला। और एक छोटा सा प्रयास ऑनलाइन डाटा बनाने का। आज का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने एक सीआईपी वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने काफी पसंद किया था, और अभी वेरी सून मैंने उसको लॉन्च किया और अपडेट किया, अपलोड किया, और आप लोगों ने काफी पसंद किया है। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी काफी पसंद आए। ऐसा ही इसमें भी मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं उन्हीं ट्रिक को जो वेरी स्पेशल है और जिनके जिनका यूज करने से आप सवाल को बहुत इजीली कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा मैं छोटे सवाल जो कि इजी होते हैं, फिर ट्रिक वाले सवाल। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। इट्स YouTube.com/FriendsEducation। फ्रेंड्स एजुकेशन एक छोटा सा एफर्ट्स ऑनलाइन डाटा बनाने का, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को देने का, ताकि आराम से उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, 7200 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का ऐसा ही क्या होगा? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा ही है सिंपल, यानी कि साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। पी बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर बोले तो रेट दर, टी बोले तो टाइम, और 100 है। ऐसा ही आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए, अभी मैं इजी देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये मूलधन है और 10% की रेट से 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो ये मूलधन मेरा, ये रेट, और ये आपका टाइम। तो इससे निकल के क्या आ रहा है, इससे निकल के आ रहा है ये ऐसा ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये आपका 3 दूनी 6, यानी कि आपका ये आ रहा है 3 दूनी 6, यानी कि 60 रुपए। 60 रुपए आ रहा है आपका ब्याज 3 सालों का, 200 रुपए के लिए 10% की रेट से, ऐसा ही आ रहा है 60 रुपए। यानी कि जब होगी बात वार्षिक की, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से वार्षिक नहीं है, वार्षिक तो है बट जो आपको टाइम पीरियड दे रहा है वो 8 महीने दे रहा है, यानी कि वर्ष नहीं दे रहा है। तो वार्षिक बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है बात महीने की हो रही है और 1 साल में महीने होते हैं 12, तो 8 को मैं 12 से भाग करूंगा ताकि ये वार्षिक बन जाए। तो 8/12 इसको हम काट के छोड़ा करते हैं, 4 दुनिया 4 3 2/3, या फिर 8/12 कर लीजिए। अगर ये 8 दिन होते तो 1 साल में दिन कितने होते हैं, 8/365 कर लेता मैं इसको। तो जो भी होगा उसी हिसाब से चलना है हमें, महीने देगा तो महीने से भाग, दिन देगा तो दिन से भाग। फिलहाल ये महीना दे रहा है तो महीने से भाग किया मैंने। तो ऐसा एक पल है, पी आर टी पी आई हमारा 7200, आर है हमारा 12.5 को हम बोलते हैं 1/8। भाई सिंपल सी बात है, 12.5, 12 दिन 24 रुपये, 25/2 परसेंटेज, इसलिए 100 आ गया। 25 से कम 25, 25 सौ के 100, 4 दूनी 8, 1/8। तो ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट जब बनाया था उसमें एक टेबल डाली थी इसमें, तो इसमें आप रट्टा मार के एक बार में याद कर सकते ताकि वो टाइम वहां पर ना जाए आपका। तो 12.5 का मतलब 1/8, और 8 महीने का मतलब हो गया 8/12, जब साल में निकल के आएंगे तो 8 से 8 कट गया, 12 सिंह 72, तो और 00 ऐसे आ जाएंगे, 600 रुपये आ गया हमारा एस आई। अगर वो बोलता है जी मिश्रण ज्ञात करो, वैसे एज पर क्वेश्चन साधारण ब्याज पूछा है तो आंसर आपका 600 रुपये होगा, लेकिन अगर वो मिश्रण पूछ बैठे तो आपको करना क्या है, मूलधन में जोड़ देना है ब्याज को, मूलधन जो भी होगा उसमें ब्याज को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने से 7200 प्लस 600 ये बन जाएंगे आपके 7800 रुपये। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। भाई देखो, जब सी आई का हमने चैप्टर किया था उसमें तिमाही छमाही हो तो क्वेश्चन थोड़ा टफ सा हो जाता है, टफ नहीं होता बट इससे इसकी कंपैरिजन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट यहाँ पे महीना बोलेगा तो आपको 12 से भाग कर देनी है। चलते अगले सवाल की ओर। 1250 रुपये का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? सवाल है ये। पहले सवाल में क्या था, पहले सवाल में पूछा था आपसे दिन, पहले दिए थे महीने, अब दे रहा है दिन, सेम वही हमें ध्यान रखना है। तो हमें ऐसा ही इक्वल होता है पी आर टी अपॉन में 100, पी हमारा 1250, रेट है हमारी 14%, और टाइम हमारा 219 दिन। 19 दिन है दिन को, साल बनाने के लिए 365 से भाग कर देंगे हम। आपको एक चीज़ और याद करनी है चैप्टर के साथ साथ, वो है टेबल 73 का, 73 कम 73, 73 दूनी 2 3 6 100, 2 3 6 2 6 14 146, 73 3 219, 73 4 292, 73 5 365, 73 6 438, 73 7 आई थिंक 561। तो
तो ये इतनी टेबल मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं आएगा इतना। आप 5 तक भी याद कर लीजिए, आई थिंक 5 तक में जो भी बोलेगा वो आपको 73-292 होते हैं, तो जो भी होगा वो 5 के ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। बट आप 73 का टेबल पूरा याद कर लेते हो इट विल बी गुड। तो 73, अब जिसको बड़ा याद होगा 73 वो काट लेगा, नहीं तो बड़ा पंगा लगेगा। यहाँ पर भी 5 से काट लीजिएगा, 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, 0। यहाँ 10 बची, इस 10 से 10 कट गई, अब 25 बचा और 14 बचा और 3 बचा, यानी कि 25 की गुणा करनी है किसमें, 14 × 3 = 42। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको टेबल्स भी कम से कम 25 तक आनी चाहिए। तो दिवस 25 और 14 × 3 = 42, नीचे बचा है 10, गुणा करनी है 25 × 2 = 50, 50 के 0 से लगे 5, 25 × 100 = 105, और बटे में है 10, तो इजरे से कट गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा आपका, 105 रुपये आया आपका ऐसा ही। अगर वो पूछता है ऐसा ही तो 105 रुपये आंसर होगा इसका, 105 रुपये। अगर वो पूछ बैठे अमाउंट क्या होगा यानी कि मिश्रधन क्या होगा, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब यानी कि आपको जो भी 1250 रुपये मूलधन है इसमें जोड़ने होंगे 105 रुपये, तो 5, 5, 3, 1355 कुछ। तो चलते हैं कुछ अगले साल की ओर। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिक बेस है। ट्रिक बेस सवालों की खास बात ये होती है कि टाइम कम लेते हैं और वही लोग कर पाते हैं जिनको ट्रिक पता होती है, जल्दी से टाइम को सेव करते हुए। कहता है 10 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया आपको। कहता है 10 सालों में कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना कितने सालों में होगा। इसका जो आपको समझना है वो ये है, नीचे वाला लिखो ऊपर, और ऊपर वाला लिखो नीचे। अभी मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है, और दोनों में से एक हटा दो और जो भी टाइम गिवन है टाइम से गुणा कर दो। तो नीचे लिखा है 3, इस 3 को लिख दिया मैंने ऊपर, ऊपर लिखा है 2, नीचे लिख दिया मैंने 2, इस तरीके से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दोनों में से मैंने क्लैश कर दिया और इंटू में जो भी है उसकी मैंने गुणा कर दी। तो नीचे तो बचा 1, ऊपर बचा 2, यानी कि 2/1 × 10, यानी कि आंसर विल बी 20 ईयर्स। 10 वर्षों में अगर कोई धन 2 गुना हो जाता है तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा, आंसर विल बी 20 ईयर्स। अच्छा, अभी इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और कराता हूँ अलग तरीके से, चलिए मैं आगे उसको कवर कर लूँगा किसी और सवाल के अंदर जब वो आएगा। अगला सवाल है, कोई धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 60 वर्षों में कितना गुना हुआ। जस्ट पहले वाले सवाल का अपोजिट, यानी कि पहले क्या रहा था आपसे इतने सालों में इतना गुना, तो इतना गुना कितने सालों में, बट अब क्या है 15 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो 60 वर्षों में वो कितना गुना होगा। तो देखिए यही सेम सवाल आपका सीआई से भी आता है, बट वहां पे इसका तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यहां पे अलग होगा। तो 60 को अगर मैं 15 से भाग करता हूं तो 15 × 60, सबसे पहली बात 4 आपके दिमाग में आना चाहिए, 60 को 15 से भाग करा 4, अब मैंने क्या करा यहाँ पे 4 लिख लिया। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है, इस 3 में से 1 घटा दिए मैंने, कितने बचे 2, इस 2 की गुणा करनी है आपको 2 के साथ 4 के साथ, 3 में से मैंने 1 घटाया, 2 इस 2 की गुणा करनी है 4 के साथ। अब जो मैंने घटाया था 1 वही इसमें 1 जोड़ देना है, तो आंसर विल बिकम 9 ईयर्स, सॉरी 9 गुना हो जाएगा। चलते हैं सवाल पर, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को, ध्यान देना है भाई। 15 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो 60 वर्षों में धन कितना गुना होगा। सबसे पहले मैंने 60 को भाग किया 15 से, तो 15 × 60। आपको ये नहीं सोचना ऐसा क्यों किया जा रहा है, बस आपको ये सोचना है ऐसा करने से उत्तर निकलता है इजिली। अच्छा, 60 को 15 से भाग किया 4, तो 4 आ गया आपका यहां पे, और इस 4 की मैंने गुणा करी 3 में से 1 लेस करने के बाद। अगर यहाँ 5 होता तो मैं 5 में से 1 लेस करता है, 4 से गुणा करता हूँ, बाद में जोड़ना एक ही अलग बात है, बट यहाँ पर 3 है तो 3 में से मैंने 1 लेस किया 2, इस 2 की गुणा की मैंने 4 के साथ, 4 × 2 = 8, और फिर जो मैंने लेस किया था उसका जोड़ दिया 4 × 2 = 9, हमेशा एक ही जोड़ना है क्योंकि 1 लेस करते हैं हम लोग, तो 4 × 2 = 8 और 1 = 9।
अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, इट मीन्स सेम पैरेलल सवाल की तरह करता हूँ। 15 सालों में कोई धन बन जाता है 3 गुना, तो 9 गुना वो कितने सालों में बनेगा? उसकी ट्रिक थी नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, दोनों में से घटा दिया मैंने और साथ में गुणा में जो ईयर्स आपको गिवन है, तो दैट से 15 ईयर्स गिवन है, तो 9 में से 11 8 और 3 में से 11 2, 2 को मैं 8 से भाग करूँगा 4 और साथ में यहाँ गुणा में 15 15 4 60। तो इस तरीके से मैंने रिवर्स क्वेश्चन कराया। मैं चलता हूँ इसे पैरेलल सवाल में, उसको भी बार रिवर्स कर लेते हैं ताकि ये आपके दो सवाल दोनों अलग अलग तरीके से भी हो जाए। कहता है अब मैं इस सवाल को बोझ समझ के करा रहा हूँ, यानी कि 10 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो 20 गुना, सॉरी तो 20 वर्षों में कितना गुना होगा? यानी कि 10 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्षों में वो कितने गुना होगा? सवाल ये है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 20 को मैंने भाग करी 10 से, तो 10 दूनी 20, इस 2 की गुणा करनी है मुझे किसके साथ? इसमें से 1 घटाने के बाद, 1 घटा दिया, 1 घटाने के बाद जो यहाँ बचा है उसके साथ गुणा करनी है, उसके साथ मैंने गुणा कर दी, 2 एकम 2, और जो मैंने घटाया है अब मैं वही इसमें जोड़ दूंगा, तो 2 एकम 2 3। तो आंसर इज सेम, ये मैंने रिवर्स तरीके से कराया ताकि आप अपोजिट करके भी क्वेश्चन को समझ सकें। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे सवाल की ओर। भाई थोड़ा तंग करेंगे सवाल, आपको पहली बार कर रही हैं आप तो, बट आपको यही तरीका फॉलो करना है ताकि एग्जाम में आप इजीली और जल्दी कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है? ट्रिकी वेस क्वेश्चन है। किस प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है? भाई दुगुना है तो इसकी कर दीजिए 100 से गुणा, तो इट विल बिकम 200। फिर आपको इसमें से 100 लेस करना है, क्या निकल के आया 100, इस 100 को आपको भाग करनी है 8 से, तो 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी 16 और फाइनली 8 पंचे 40, यानी कि 12.5%। किस प्रतिशत रेट से? 12.5% की रेट से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है। इस सवाल को आप किसी और तरीके से, अगर लंबे तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट आप इस तरीके से करें ताकि टाइम बचे थोड़ा सा। जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं, मान लिया जो धन है वो हो गया एक्स, तो अमाउंट यानी कि जो मिशन डबल हो रहा है, यानी कि अमाउंट हो गया आपका दुगुना हो जाता है, यानी कि 2x, तो इससे ये तो पक्का हो गया कि ब्याज कितना आ जाएगा, 2x माइनस का x यानी कि x। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म लगाते हैं PRT/100, तो ऐसा ही तो हमारा पहले से निकल चुका है x, मूलधन हमारा x ऑलरेडी है, r निकालना है हमें और टाइम कितना है 8 वर्ष में, ये हो गया 8, तो इस x से तो x ऐसे कट गया, r ही रहेगा, 100 पहुंच जाएगा ऊपर बराबर के उधर जाएगा, तो यानी कि r बराबर है 100/8, द सेम थिंग्स 12.5%। बट इससे अच्छा कि आप इस तरीके को फॉलो ना करने की जगह आप इस तरीके को फॉलो करें ताकि समय थोड़ा सा बचे हमारा, ताकि समय बचे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी धन का 2 वर्ष में जो अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन 4672 रुपए और 3.5 वर्षों में 5438.50 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा और बेहतरीन सवाल। इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि 3.5 सालों में जो अमाउंट हो रहा है वो ये बन रहा है, 3.5 सालों में कोई धन है जो इतना बन जाता है, इसका मतलब मैंने एक मूलधन जमा किया होगा, इसके अंदर एक मूलधन होगा और ये 3.5 साल का इसमें ब्याज लगा होगा, उसके बाद जो अमाउंट है वो बन गया 5438.50 रुपए। ऐसे ही 2 साल का जो मिश्रधन है, यानी कि इसमें मूलधन होगा, मूलधन तो होगा साथ में 2 साल का ब्याज होगा, और वो ऐसा करने से बन जाता है कितना, इट विल बिकम 4672 रुपए ओनली। अब मैं उसको उसमें से अगर लेस करता हूँ, इट मीन्स इस पूरी क्वेश्चन को अगर मैं इसको 1 मान लूँ, मतलब आपको लेस करना है जो बड़ा है उसमें से, तो अगर लेस करता हूँ तो इट विल इसमें से लेस करेगा कट जाएगा ये, तो 3.5 सालों में से अगर 2 साल जाएंगे तो बचेंगे 1.5 साल, और यहाँ भी बचेगा आपका 0.5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे बच्चे आपके नहीं जाएगा, 13 में से 7 गए 6
और यहाँ पे आपका बचा कितना, 3 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 1 मिनट 13 में से 6 गए 7, 766 और 4 में 4 गए 0। तो 766 रुपये जो ब्याज आ रहा है, क्योंकि मूलधन से मूलधन तो यहाँ कट ही चुका है, वो 1.5 साल का ब्याज आ रहा है। तो 1.5 साल का ब्याज यानी कि 2 * 2 = 3/2 वर्ष का जो ब्याज है वो है 766 रुपये 50 पैसे। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आपको 766.5 बटे में पहुंच जाएगा 3 और ऊपर पहुंच जाएगा 2, तो गुणा करने से 3 × 6 = 15 ठीक है, गुणा कर देंगे तो 2 बचा हुई यहाँ पे। गुणा करने के बाद 2 × 5 = 10 के 0 से लगेगी, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 11 और 2 × 3 = 5 यानी कि 1 मिनट 2 × 3 = 5 या थोड़ी सी गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 × 5 = 10 के 0 से लगे 2 1 मिनट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको ध्यान देना है। डेट से 2 × 5 = 10 के 0 से लगे 1 2 × 5 = 11 का 1 2 × 5 = 11 का 511 रुपये। तो जो 511 रुपये ब्याज आया है वो आया है 1 साल का। अब 1 साल का ब्याज आया है और आपको मालूम है 2 साल का जो मिश्रधन है वो है ये, 2 साल का मिश्रधन ये है। तो 1 साल का ब्याज, तो आपको 2 साल का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि कहने का अर्थ हुआ 1 साल का जो ब्याज है वो है 511 रुपये। तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, 2 साल का ब्याज होगा 2 * 2 = 1022 रुपये। अब यानी कि 2 साल के अगर मैं मिश्रधन में से अगर मैं जो कि गिवन है 4672 में से अगर मैं 2 साल का ब्याज लेस कर दूं तो ये निकल के आएगा 0 × 7 = 5 और 6 और 3650 रुपये मूलधन। भाई 2 साल का टोटल अमाउंट यानी कि मिशन में से अगर मैं 2 साल का ब्याज लेस कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा। एंड इट वाज आज इन द क्वेश्चन यही पूछा गया था सवाल के अंदर, मूलधन ज्ञात करो साथ में दर ज्ञात करने के लिए भी कह रहे हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ पर दर बराबर है 100 × में SI बटे में मूलधन गुणा ब्याज। फॉर्मूला वही होता है हर जगह, बस उनके तरीके चेंज हो जाते हैं। एस आई स्कल टू जो PRT अपॉन में 100 वाला करते हैं हम, सारा वही है, जैसे कि 100 वहाँ बचा दिया मैंने। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ रेट पूछी गई है, रेट को ही रहने दीजिए, तो एस आई के साथ गुणा में हो जाएगा 100 और पी और टी पहुँच जाएंगे बटे में, सेम वही फॉर्मूला। तो एस आई 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था, इट वॉज 500 × 1022 अगर 1 साल की बात की जाए तो, और मूलधन आपका अगर 1 साल की बात करेंगे तो दैट विल बिकम 8 is 511। लेकिन हम 2 साल का लेंगे क्योंकि हमें 2 साल का टाइम मालूम है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, क्योंकि 2 साल का ब्याज ही मालूम है। तो इस तरीके से मूलधन होगा आपका 1022 रुपये और मूलधन हम निकाल चुके हैं 3650 और ब्याज निकाला हम लोगों ने, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ब्याज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए आपका टाइम जो कि गलती से हो गया है, टाइम टाइम हमारा 2 साल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बिकम ईजली यानी कि 100 × 1022 बटे में 3650 × 2, इसकी थोड़ा सा काटाबिटी कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, मैं 5 से काटता हूँ, 2 × 5 = 10, 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 5 या 15 और 73 से काट देते हैं, 73 × 73 बच्चे कितने 19 और 73 × 2 = 92। इसको आप चेक कर लेंगे एक बार थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप सवालों को निकाल पाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, और
इसके करने के दो तरीके हैं, एक है आपका एलिगेशन तरीका जो मैं आपको कराऊंगा जब मैं एलिगेशन कराऊंगा, लेकिन अभी आज ये एस आई के चैप्टर से है तो एक बहुत अच्छी ट्रिक के तरीके से कराऊंगा आपको ताकि इजिली याद हो जाए। एक व्यापारी ने दो बैंकों से 45,000 रुपये का ऋण लिया, एक ऋण के लिए 9% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे के लिए 16% वार्षिक। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 5548 रुपए दिया गया हो तो प्रत्येक दर पर दिए गए लिए गए धन के मान ज्ञात करो। यानी कि एक आदमी जिसने 45,000 रुपए का उधार लिया है, एक जगह से लिया है 9% के रेट से उधार और एक जगह लिया है 16% के रेट से उधार, और पूरे साल के बाद उसने जो ब्याज दिया है वो दिया है 5548 रुपए। कहता है जी अब मुझे बताओ कि इस रेट से कितने परसेंट उधार लिया गया है और इस रेट से कितना परसेंट उधार लिया गया है। आई थिंक सवाल आपको क्लियर होगा। अब मैं कराता हूँ आपको शॉर्ट तरीके से। इसमें करना क्या है, आपको ये सोच के चलना है कि जो धन है वो लिया गया है 9% से या फिर 16% से। यानी कि अगर आप निकालते हैं 9% से पूरा का पूरा धन, मान लीजिए आपने 9% उधार लिया है, उत्तर जो आपको निकलेगा वो निकलेगा 16% का। अगर आप मान के चलते हैं कि सारा का सारा धन लिया गया 16% से, तो पहली बार में उत्तर निकलेगा आपका 9% का। कोई भी मान लीजिए अगर एक भी निकल गया तो दो निकल जाएंगे आराम से। तो कई बार पेपर में ये कह रहे थे प्रत्येक दर पर लिए गए धन के मान ज्ञात करो, कई बार पेपर में एक ही पूछ लेता है, कई बार दोनों पूछ लेता है, तो आपको देखना है कैसे निकलना है। ये मैं मान लेता हूँ सारा का सारा जो धन है वो लिया गया 9% की रेट से, यानी कि 45,000 वो लिया गया सारा का सारा। आई थिंक देयर इज अ बैटरी प्रॉब्लम, हो सकता है मैं इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों लेकर आऊँ, तो आई फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को कंप्लीट करने की। तो कोई धन निश्चित, हाँ जी, 45,000 का ऋण लिया गया, मैं मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा धन लिया गया 9% की रेट से, तो 45,000 इंटू में 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 00 0, 9 5 45 के 5, 8 4 9 6 36, 4 40 कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, 9 00 0, 9 5 45 के 5, 8 4 9 6 36 36 और 4 40, 4050 रुपये आपका ब्याज आ रहा है टोटल 9% की रेट से। बट आपने ब्याज दिया है 5548 रुपये, तो इसमें से 4050 में लेस कर देता हूँ, 8 14 में से 5 गए 9 और 4 के 4 और 5 4 के 1, 1498 रुपये आया आपका ब्याजों का अंतर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मान लेता हूँ सारा का सारा धन लिया गया 9% की रेट से, और 9% का रेट निकालने से ब्याज निकला 4050 रुपये, लेकिन उसकी तरफ से जो गिवन है वो गिवन है 5548 रुपये। तो 5548 में से जब मैं 4050 लेस करता हूँ तो 1498 आया ब्याजों का अंतर। इसके लिए फॉर्मूला याद करना है आपको, ब्याजों का अंतर बटे दरों का अंतर इंटू में 100, ये फॉर्मूला है आपका किसका, मूलधन निकालने का। तो ब्याजों का अंतर 1498 इंटू बटे में दरों का अंतर है, एक है 16 रेट और एक है 9 रेट, यानी कि अंतर हो गया आपका 7/7 और इंटू में कर दिया 100। अब मैं भाग करता हूँ 7 × 14, 7 × 7, 7 × 28, यानी कि 21,400 रुपये आ गया आपका मूलधन। कौन सा, जब आप 9% मान के चलेंगे तो ये 21,400 मूलधन आया कि 16% वाले का, मैंने आपको बताया जॉब मानेंगे ठीक, उसके अपोजिट में निकलेगा मूलधन। जब एक मूलधन आया आपका 21,400 तो दूसरा मूलधन आएगा 45,000 में से अगर आप इसको लेस कर देते हैं, तो 21,400 को, तो 2 जीरो की 2 जीरो और 10 में 4 गए 6 और 3 और आपका 23,600। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बाद में कराऊंगा पार्ट टू में ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।